हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का चैप्टर टू के न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, आपको एक बार फिर ये बात याद दिला दूं कि किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको वह चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ ही उसमें जितने फार्मूले डिराइव किए गए हैं, जितना फार्मूला है वो सब आपको तैयार होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। तो हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। देखिए, ये बात मैं अपने कई वीडियो में डिस्कस कर चुका कि न्यूमेरिकल्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊँगा क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली आईआईटी जेई और नीट पर फोकस, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल करने हैं, ये आपका बिगिनिंग है, ये शुरुआत है। आप एक बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और इनिशियल स्टेज में ही आप डर जाएंगे। इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, क्लियर। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। देखिए, ये जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, मेरे बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उस क्वेश्चन को आप रीड करिए और साथ में मैं बुक से रीडिंग भी कर रहा हूँ और फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो एनसीईआरटी बुक से भी आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, 5×10⁻⁸ कूलाम तथा −3×10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए, क्लियर। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि 5×10⁻⁸ कूलाम, और ये सपोज एक आवेश ये है और ये सपोज ये दूसरा आवेश है। मैं आपको चित्र के हेल्प से समझा देता हूँ। ये दो आवेश हैं, सपोज ए और बी, और इनके आवेश का मान दिया हुआ है, ये सपोज Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश का मान दिया हुआ है 5×10⁻⁸ कूलाम। ये पहला आवेश है और यहाँ पर है दूसरा आवेश, इसका वैल्यू दिया हुआ है −3×10⁻⁸ कूलाम। ये दो आवेश दिए हुए हैं और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रहने के लिए क्वेश्चन इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट है। 16 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है दोनों आवेश के, और क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच कहीं पर भी कोई बिंदु हम सी ले लेते हैं तो बोलता है कि यहाँ पर विभव शून्य हो, तो उनसे दूरी, उस बिंदु की दूरी पूछता है कि ए से या बी से। क्वेश्चन में आप ए से भी दूरी निकाल सकते हैं और बी से भी दूरी निकाल ले सकते हो। मान लो मैं बी से इस बिंदु सी की दूरी को एक्स मानता हूं, तो बची हुई दूरी कितना हो जाएगा, 16 − x, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस बिंदु सी पर विभव शून्य है तो ये एक्स दूरी का हमको गणना करना है, बोलता है कि उसकी गणना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच विभव निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच सपोज इसके और इसके बीच का विभव भी ये है और इसके बीच का विभव भी है। चूंकि इस बिंदु पर विभव शून्य है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों के योग को शून्य के बराबर कर देंगे, क्लियर। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। वी ए विभव का फार्मूला होता है 1/4π ε0। ये सब आपको याद होना चाहिए फार्मूला, इसीलिए मैं स्टार्ट करने से पहले बोला कि पहले चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। ये बात मैं बहुत गंभीरता से आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको न्यूमेरिकल्स करने का प्लानिंग है, यदि आपको कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करना है, तो पहला स्टेप है आप बेसिक फाउंडेशन क्लास का हमारा जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे से देखिए, कम्प्लीट 100% लर्न करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, क्लियर। तो ये फार्मूला आपको पता है 1/4π ε0 Q/r² होता है। तो एक बार मैं V का फार्मूला ही लिख देता हूँ, V=, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो किसके लिए पहले यूज़ करेंगे, A के लिए।
तो वी आई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए। तो q का वैल्यू, इसका वैल्यू अपन पुट करेंगे q1 का, वो है 5 × 10⁻¹ और अपन इनके बीच की दूरी कितना है, ये बीच की दूरी है वो हो जाएगा 16 − x² ये हो गया वी ए का वैल्यू। इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसका वैल्यू, वी बी का वैल्यू, मतलब इनके बीच का विभव, इनके बीच का विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब हम यहाँ पर Q2 का वैल्यू पुट करेंगे, Q2 का वैल्यू है −3 × 10⁻¹ और अपान इनके बीच की दूरी क्या है x, ये दूरी हमने क्या लिया हुआ है चित्र में देखो x लिया हुआ है। अब हमको पता है कि चूंकि वहाँ पर दोनों के विभव का योगफल शून्य है तो वी ए प्लस वी बी क्या हो जाएगा 0, वह उदासीन बिंदु है। दैट इम्प्लाइज दोनों के वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो पहला वैल्यू हम ये निकाल के रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻¹ अपॉन 16 − x² और प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस को मैं सामने लिख दूं तो माइनस हो जाएगा और 3 × 10⁻¹ अपॉन x² = 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो दोनों में कॉमन, इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है 10⁻¹ कॉमन है दोनों में और बाकी नहीं है कॉमन ये, तो यहाँ से बच जाएगा 5/16 − x² और माइनस। यहाँ पर फार्मूला मैंने गलत लिखा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है विभव में, आर स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो ये सब फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें धोखा हो जाता है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, इसमें किसी में स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूला में, ये हो जाएगा और माइनस यहाँ से बचेगा 3/x = 0। अब इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी मैंने लिखा है, ये पूरी क्वांटिटी को यदि हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करें तो वहाँ पर शून्य के साथ में गुणा होकर पूरा शून्य हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ये 5/16 − x − 3/x = 0। आगे इसको हम सॉल्व कर लें तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, 5/16 − x = उधर जाके धन हो जाएगा 3/x, दैट इम्प्लाइज यहाँ तिरिया गुणा कर लें तो इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो जाएगा 5x, इसका इसके साथ में तो जाएगा 48 − 3x, क्लियर। अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इसके साथ में आके ऐड हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये हो गया 8x = 48, दैट इम्प्लाइज x = 48/8, दैट इम्प्लाइज x = 6, ये हो गया 6। अब यहाँ पर आप देखो आंसर हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यदि हमको क्वेश्चन में पूछा है कि उसका ऋण आवेश से कितनी दूरी पर होगा तो ऋण इस आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और सपोज इस आवेश से दूरी पूछे तो 16 − x तो 16 में अपन 6 घटा देंगे कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर दो आंसर लिख सकते हैं, Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर या Q2 आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु होगा जहाँ पर विभव शून्य होगा। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दोनों आवेश के बाद यहाँ जैसे विभव पूछा है तो जैसे मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला लगा दिया था, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है बोलेगा तो आप E का फार्मूला लगाएंगे और बनाने का पैटर्न सेम टू सेम होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, आप स्टेटमेंट मेरे बोर्ड से रीड करिए। सबसे पहले आपका काम है आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से, कथन को न्यूमेरिकल का बहुत ध्यान से समझिए। पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फिर दूसरा ये समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, और तीसरा काम आपका उस फार्मूले को याद करना है जिसका उसमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर टू का स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, देखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है एक षटभुज, तो षटभुज आप बना लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए इस तरह से, ये सपोज हम एक षटभुज बनाते हैं, आपको मेजरमेंट नहीं करना है, अंदाज से बना लेना है। इस तरह से सपोज ये षटभुज है। अब इसके हर प्रत्येक कॉर्नर पर यदि हम इसका नाम लिख दें सपोज, तो ये षटभुज है ए बी सी डी ई और एफ। इसके प्रत्येक भुजा पर, ये प्रत्येक कॉर्नर पर जो आवेश है उसका मान दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम। ये है 5 माइक्रो कूलम, मतलब ये 5×10⁻⁶ कूलम, कूलम यदि हम चेंज करना चाहें तो, ये दिया हुआ है। और प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई और बराबर ई एफ, ये सब कितने हैं 10 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि ये सम षटभुज है। और एफ ए, तो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसके डायगोनल्स, मतलब इसके हम विकर्ण बना लें, तो हम इसको इससे मिला सकते हैं, ये इसको इसके साथ मिला सकते हैं, सब इसके समांतर होते हैं सामने वाली भुजा के, और ये इसके विकर्ण हैं, और ये सब जिस बिंदु पर काटते हैं वो इसका सेंटर होता है। इस प्रकार से इस सेंटर पर वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, सेंटर पर क्या पूछा है, षटभुज के केंद्र पर विभव की गणना करना है, विद्युत क्षेत्र बता दें विभव। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी क्या विशेषता होती है, कि इसका जो केंद्र होता है वहाँ से सभी इसके जो कॉर्नर्स हैं उसकी जो दूरी होती है बराबर होती है, मतलब ओ ए, और जो कि इसके ही बराबर होगा ये 10, क्योंकि यहाँ पर बनता है समबाहु त्रिभुज। सम षटभुज की विशेषता है कि इस प्रकार से बना हुआ जो त्रिभुज होता है वह समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब यह भी कितना होगा 10 होगा। कहने का मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये आप ध्यान रखना, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि हम सबके विभव को जोड़ें, क्योंकि हमको सेंटर पर विभव निकालना है, तो केंद्र पर विभव निकालने के लिए सभी विभव का क्या होगा, योगफल होगा। तो सभी का हम विभव निकाल लें तो वी ए बराबर, यहाँ पर हम 1/1 गणना करें तो वी ए इक्वल हो जाएगा 1/4πε₀Q। ये क्यू का वैल्यू, उसको मैं क्यू ही लिख दिया, अभी क्यू ही लिख दिया, और अपान इसके बीच की दूरी, सेंटर से इसके बीच की दूरी जिसको हमने कह दिया सपोज यहाँ पर आर, ये हो जाएगा वी ए का वैल्यू, और यही वी बी के बराबर होगा, यही वी सी के बराबर होगा, क्योंकि सबकी दूरी समान है। तो यहाँ पर हम वी बी बराबर यही लिखेंगे 1/4πε₀Q/r एंड सो ऑन, यही होगा। और टोटल विभव यदि हम निकालना चाहें तो वी बराबर हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये। अब यहाँ पर आप देखो वी ए वी बी के बराबर है, मतलब वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर वी ई बराबर वी एफ है, सभी के विभव आपस में बराबर हैं। अब चूंकि सभी के विभव आपस में बराबर हैं, तो सब के विभव आपस में बराबर हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो वी बराबर हो जाएगा 6 × कोई भी एक लिख सकते हैं आप, वी ए लिख सकते हैं, 6 × वी ए हो जाएगा, या वी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब के सब आपस में जुड़ के 6 हो जाएंगे, 6 बार बराबर चीज का योग होगा 6 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू 6 × अब वी ए का हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1/4πε₀Q/r जो कि वी बराबर 6×9×10⁹ अब हम आवेश का मान रखें, आवेश का मान ये है, सब में समान आवेश है, तो ये हो जाएगा 5×10⁻⁶ और अपान आर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10×10⁻², क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लें
तो सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से देखिए, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये एक्चुअली मेरा काम नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर देता हूँ या आप खुद से भी कर लेंगे, मैं तो कैलकुलेटर से करके डायरेक्ट बता दूंगा। सभी वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सिंप्लीफाई आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि इसको आप अपने तरीके से करोगे तो प्रैक्टिस होगा, और मैं बताऊंगा उसी को आप कॉपी करते जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए ये 5 ये 2 जाए इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद 2 3 जा, 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 10 के पावर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो 9 × 3 9 दिया 27 गुणित। अब 10 के घात को आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर 10 का घात क्या है, -2 है, इसके साथ में जाके वो जुड़ जाएगा, धन हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 10^5 कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया। दैट इम्प्लाइज जनरली हम इसको डबल डिजिट में नहीं सिंगल डिजिट में लिखते हैं, तो यहाँ पर यदि हम इसको 2.7 करें तो डेसिमल तब बाएं तरफ आता है तो इसमें एक जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 10^6, ये हो जाएगा 10^6 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं बुक से आंसर टेली कर लेता हूँ, तो ये इसका क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया हुआ है 2.7 × 10^6, ठीक है। तो ये हमारा एक बार क्या है, NCERT की बुक से हमको आंसर टेली करना जरूरी है, कई बार बुक में मिसप्रिंट रहता है या कई बार हो सकता है हम लोग से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है, बाय द वे कहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर इसका 2.7 × 10^6 वोल्ट। बेसिकली आपको सबसे पहले मेथड समझना है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया कि सम षटभुज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सम षटभुज की ये जो विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर, इसका सेंटर से सभी कॉर्नर की लंबाई बराबर होता है, इसीलिए सबके विभव भी आपस में बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर 6 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट आप पढ़िए। देखिए इनिशियल स्टेज में NCERT के न्यूमेरिकल बहुत बेस्ट हैं, कॉन्सेप्ट वाइज सबसे पहले आपको यहीं से ही स्टार्ट करना चाहिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, नीट का या IIT का प्रिपरेशन करने के लिए सीधा डिफिकल्ट लेवल में चले जाते हैं, वो जाना है, वो जरूरी है। कई बार क्या है, मेरे वीडियो पर बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर नीट की तैयारी के लिए क्या करें, IIT के लिए क्या करें। देखिए आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप जब करते हैं तो आपको अपना स्टार्ट एकदम इनिशियल स्टेज से लेना पड़ेगा। यही दिक्कत है कि कई स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर नहीं होता और जो सामान्य लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका प्रैक्टिस नहीं रहता और एकदम हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन का मेरे हिसाब से 3 स्टेज है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए। सेकंड, आप NCERT के न्यूमेरिकल्स करिए, ये दोनों काम आपका अच्छा हो जाए तो तीसरा काम है आप कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर एंट्री करिए। वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, लेकिन मैं अपना काम स्टेप बाय स्टेप करूंगा, क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट देखिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदुओं A और B, 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखे हैं, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि NCERT के न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है 2 A और B आवेश, इसी तरह का क्वेश्चन। देखो एक आवेश ये है, एक ये दूसरा आवेश है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सपोज A है ये B है, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज 6 सेंटीमीटर, ये है। अब इसमें बोला गया है इसमें जो फर्स्ट नंबर का चार्ज है और दोनों चार्ज एक प्लस एक माइनस है, यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है और ये सेकंड नंबर का जो चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम है। अब हमको पूछता है कि यहाँ पर समविभव पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ, इस कॉम्बिनेशन में एक ऐसा पृष्ठ निकालो जहाँ पर विभव क्या हो, समान हो। तो नेचुरली देखो दोनों चूंकि समान आवेश हैं, तो समान आवेश के कारण इसका जो समविभव होगा वो मिड पॉइंट पर होगा,
ये मिड पॉइंट पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु मान लो ओ है, यहाँ पर क्या होगा इसका समीपक पृष्ठ होगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इस समीपक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो बिंदु ओ है यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि समविभव पृष्ठ में विभव 0 होता है, समांतर विभवांतर 0 होता है, समविभव पृष्ठ में विभवांतर 0 होता है। अब हमको पता है फार्मूला कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है ओ पर, तो पहला आंसर तो यही होगा समविभव पृष्ठ मध्य बिंदु पर होगा। पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है। अब चूंकि हमको पता है कि वी इक्वल टू होता है ई इंटू आर, ये होता है ई इंटू आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है अदिश गुणा है और ये क्या है अदिश राशि है, क्योंकि विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी या कार्य गुणित विस्थापन। अब चूंकि हमको पता है कि v बराबर 0 है, यहाँ से देखो v बराबर 0 है, तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा e डॉट r इक्वल टू 0। और हमको पता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से पता है कि a डॉट b इक्वल टू यदि 0 हो, मतलब दो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, तो दोनों सदिश क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर e क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा r के लंबवत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह इस बिंदु से होकर जाने वाले इस दिशा में होगी, मान लो ये OC है, तो ये OC जो दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पर कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ बताना है, मतलब ओरल आंसर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मौखिक प्रश्न है, दोनों के आवेश समान है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो उनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा उदासीन बिंदु होगा, ठीक मध्य बिंदु में होगा, तो मध्य बिंदु की दूरी दोनों तरफ से 3-3 सेंटीमीटर हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि उदासीन बिंदु पर विभव 0 होता है, तो विभव बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो विभव 0 है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। फिर हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो तो दोनों सदिश परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी उस रेखा के लंबवत हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन है, क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए, मेरे पढ़ने से पहले आप, मैं बोर्ड में डिस्प्ले कर देता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले करने का मतलब ही है कि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करते समय सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, ट्वेल्व सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6×10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। अच्छा देखिए ये गोली चालक पर आधारित है, ये हमारे पास एक गोली चालक है और इसकी जो त्रिज्या है ये है 12 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है। पृष्ठ पर इस पर जो आवेश है, पृष्ठ पर जो आवेश है क्यू, उसका मान है 1.6×10⁻⁷ कूलाम, ये आवेश का मान है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है, इस 3 क्वेश्चन में पहला नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, तो ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब किसी भी गोली चालक में आवेश वितरित किया जाता है तो इसके जो केंद्र होता है वहाँ पर आवेश का मान 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट है कि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, केवल कहाँ होता है सरफेस में होता है, तो केंद्र पर आवेश 0 होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि आवेश एक समान रूप से वितरित है, गोले के गोली चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, गोले के अंदर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब चूंकि देखो आवेश 0 है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा 0 होगा। तो पहला आंसर किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ पर पूछा है, गोले के पृष्ठ पर। अब यदि हम इसके पृष्ठ पर चले जाएं
तो प्रिंसिपल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0Q/r2। ये गोले के प्रिंसिपल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, 9×10⁻⁹ इंटू आवेश का मान है कितना, 1.6×10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो 12×10⁻²⁰ मीटर में चेंज कर दिए का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैट इक्वल यहाँ पर 9×10⁻⁹ इंटू ये 1.6 को मैं 16 बना दिया तो नीचे 10 का गुणा कर दूंगा, और इंटू 10⁻⁷, और इसको हम लिख सकते हैं 12×12 इंटू इसको हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं, वर्ग है तो स्क्वायर है, दैट इक्वल। अब आप इसको सिंप्लीफाई अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ इजी कर देता हूँ, ये हो गया 4×16, ठीक है, रेडिंग से कर दूंगा आपको, हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा, ये हो जाएगा 4×4 = 4×3 फिर ये 4×4 = 4×3, ठीक है, और फिर 3 और 3 9 इसके साथ कैंसिल आउट होएंगे दोनों। अब हम 10 के पावर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 के पावर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं ऊपर को सॉल्व कर देता हूँ, 10⁻⁷, इसमें से 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2, 9 में से 7 घटेगा, और नीचे हो जाएगा 10⁻⁴, 1 इसमें जुड़ेगा तो -3, ये ऊपर जला के 5×10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमको क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा, क्या है, इतना पृष्ठ पर तीव्रता। अब तीसरा नंबर का हमको क्वेश्चन पूछा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोलता है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर। अब यदि हम क्या है, इसके सेंटर से कहाँ चले आएँ, सपोज हम 18 सेंटीमीटर पर यहाँ चले आएँ, 18 सेंटीमीटर पर मतलब गोले के बाहर। तो यह है तीसरा कंडीशन है, गोले के बाहर। तो सेम कैलकुलेशन होगा, इसको आप कर सकते हैं अपने से, सेम कैलकुलेशन होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ E=9×10⁹ इंटू आवेश तो वही है, तो 1.6×10⁻⁷। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 18, तो हो जाएगा 18×10⁻²² का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आप लोग का काम है, इसको सॉल्व करना, मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ बुक में जो आया हुआ है। आंसर एक बार टेली कर देता हूँ मैं, सेंटर पर क्वेश्चन नंबर फोर सेंटर पर आंसर 0 आया, ठीक है 0 होगा। इसके बाद पृष्ठ पर आंसर हमारा आया 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये नीचे को आप सॉल्व करेंगे तो 4.4×10⁴ आएगा, इसको आप लोग कर लेना, 4.4×10⁴ वो आएगा ही न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आप सॉल्व करें। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आप करिए, जैसे इस पोजीशन पर आप वीडियो पॉज कर दीजिए रब, और इसको आप सिंप्लीफाई, ऐसे भी मेरे का इसका प्रैक्टिस होगा। आप यदि 100% मुझ पर डिपेंड होंगे कि सर सब मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके बता दें, तो फिर आप बहुत लेजी हो जाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर दीजिए और रब कापी पेन निकालिए, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होगा। देखिए एक चीज़ में जब न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तो हमेशा मेरे ध्यान में रहता है कि कहीं मेरा एक फिजिक्स का स्टूडेंट आराम से सोफे में बैठे, बिस्तर में लेटे लेटे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना कि मैं इतना मेहनत करके पूरा आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका मतलब आप उसको आराम से रिलैक्स देखने का नहीं है, फिजिक्स का सब्जेक्ट है। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते देखते आप रफ कॉपी और पेन अपने सामने रखिए, कहीं पर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती आप कंटिन्यूस आगे मत बढ़िए, वीडियो पॉज करिए वहाँ पर और उसको रफ कॉपी में लिख के देखिए, समझिए जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं। देखो यूज़ करने ऊपर है आपका, मैं तो पूरा स्टडी मटेरियल आपको बहुत मेहनत करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन वगैरह जहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको आप करके देखिए, क्लियर।
बाई द वे आपको लगे कि इसके कैलकुलेशन से इतना नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बराबर लिख दीजिए कि सर वो तो वहाँ पर नहीं आया, मैं चेक कर लूँगा। क्योंकि मैं पिछले न्यूमेरिकल्स में एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखा कि इसके बाद उन्होंने मुझे सॉल्व करके बताया कि सर आंसर तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो वीडियो को कंटिन्यूस नहीं देखे थे। मैं वहाँ पर 10^10 कुछ था उसको सॉल्व आगे किया था, तो उसको आप पूरा सेटिस्फाई हो जाइए पहले, क्लियर। हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए तो उसको बता दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप कम से कम सिंप्लीफिकेशन सरल करने को खुद से करिए। आप आराम से बैठे बैठे उसको देखिए बस मत, वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जाते हैं। एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स में टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा। टीचर का काम है न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सॉल्व करने का मेथड बताना, और ये सिंप्लीफाई जो किया जाता है वैसे मैं कर भी देता हूँ, ये आपको इसको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूं बुक से। क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर पट्टी का संधारित्र जिसकी पट्टियों के बीच वायु की धारिता 8 pF है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके स्थान में 6 परवलयांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है। मैं जनरली हर क्वेश्चन में आपको फिगर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिगर बनाने से स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेट ए और प्लेट बी। इसमें बोला गया है इसके बीच वायु है और धारिता इसका 8 pF है। यदि इनके बीच में वायु है दैट मीन्स सी नॉट वो है 8 pF। और देखिए ब्रैकेट में लिखा है 1 pF इक्वल टू होता है 10^-12 F, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है हम उसको चेंज कर लेते हैं। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी समांतर प्लेट के बीच की दूरी सपोज हम इसके बीच के डिस्टेंस को डी सपोज कर लेते हैं, ये हमने डी सपोज कर लिया। अब इनके बीच को दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परवलयांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। परावैद्युतांक को बोला है 6, इसका कोई यूनिट नहीं होता, यह भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखो सबसे पहले हमको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो धारिता का फार्मूला होता है सी नॉट इक्वल टू ε0/d, ये इसका फार्मूला होता है सी नॉट इक्वल टू जब इसके बीच में वायु या निर्वात हो। दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू पुट कर दें तो ये दिया है 8 × 10^-12। ये मैंने पीको फैराड को चेंज कर दिया, 8 × 10^-12 क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। दैट इक्वल अब यहाँ पर ε0, हमको नहीं पता, और डी ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, इसको हमने दे दिया रिलेशन नंबर 1। अगेन अब हमको क्या बोलता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी डैश कर दिया जाए और वो पहले का क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्वेश्चन में बोला है कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच में 6 ये भर दिया जाए, अब ये पुटअप कर दिया जाए, अभी वायु निर्वात था तो उस समय सपोज इसकी धारिता सी डैश हो जाएगा, तो सी डैश इक्वल टू हो जाएगा ε0। अब k का हम गुणा कर देंगे क्योंकि इसके बीच में अब वायु निर्वात नहीं बल्कि क्या है 6 परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है, और अपान क्या हो जाएगा डी डैश हो जाएगा। दैट इक्वल ये ε0 × k और डी डैश कितना हो गया है d/2, तो डी और अपान 2 को हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, क्लियर। एक बार यहीं पर पुट अप कर देता हूँ d/2। दैट इक्वल अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयर फॉर सी डैश इक्वल टू 2 ऊपर चला गया तो ε0/d × k। दैट इम्प्लाइज सी डैश इक्वल टू 2 × देखिए हम यहाँ पर निकाल के रखें इसका वैल्यू, किसका वैल्यू ε0/d का रिलेशन फर्स्ट में,
कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू के हमको क्वेश्चन में दिया है कितना 6, ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर लें आगे, तो ये हो गया 12 इंटू 8, 12 अट्ठे 12 इंटू 8 कितना होता है 6, 96 ना, 12 अट्ठे 96, 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 यही होगा ना, 2 और ए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इतना है, ठीक इतना होगा। दैट इक्वल, यदि डेसिमल यहाँ लगा दूँ तो 9.6 इसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 11 ये हो जाएगा फैराड, या यदि पीको फैराड में आप लिखना चाहें तो इस आंसर को आप पीको फैराड में लिखना चाहें तो 96 पीको फैराड भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा। एक बार आंसर टेली कर लेता हूँ मैं, टेली करना जरूरी है आंसर सही आया कि नहीं। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 96 पीको फैराड, पीको फैराड, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में 96 पीको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना आंसर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पीको फैराड में लिखो चाहे फैराड में लिखो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड किया है। सबसे पहले ये कि यदि उसकी धारिता इतना है, और बाद में बोलता है कि यदि दोनों को प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, मतलब इनको पास ले आते हैं, और पास लाने के बाद इसमें इतने पैरावैद्युतांक 6 पैरावैद्युतांक का हम मटेरियल भर देते हैं दोनों के बीच में, तो उसकी नई धारिता क्या हो जाएगी, तो नई धारिता उसको हो जाएगी 96 पीको फैराड, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का भी स्टेटमेंट आप पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आप भी बोर्ड से पढ़िए। 9 पीको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है इसमें, 9 पीको फैराड वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए इस तरह से फिगर बनेगा इसका, ये वैसे आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं होता लेकिन मैं समझाने के लिए जरूर बनाता हूँ लगभग हर क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आए। ये कैपेसिटर है और कितना है 9 पीको फैराड प्रत्येक का, C1, C2, C3 सभी का उतना ही है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि इनकी तुल्य धारिता कितना होगा, तो नेचुरल सा बात है फार्मूला सीधा लिखे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दैट इम्प्लाइज 1/C = 1/C1, तो हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 सभी बराबर हैं। दैट इम्प्लाइज 1/C = ये हो जाएगा 3/9, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, देयरफॉर C = हो जाएगा, उलट देंगे दोनों साइड को तो 3 पीको फैराड, मतलब इसकी जो तुल्य धारिता होगी कितना हो जाएगा 3 पीको फैराड। तो पहला आंसर है 3 पीको फैराड। फिर सेकंड पार्ट में बोलता है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभारण जोड़ दिया जाए प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। देखो आगे क्वेश्चन में बोलता है कि सपोज हम क्या करें, इसको जोड़ देते हैं एक विभव इस प्रकार से 120 वोल्ट के साथ में, 120 वोल्ट से जोड़ दें तो उस कंडीशन में प्रत्येक में विभव क्या होगा बोलता है। तो देखिए हमको पता है कि जब श्रेणी समूहन होता है तो आवेश Q = हो जाएगा C × V, तो इसकी तुल्य धारिता कितना निकालें हम 3 पीको फैराड 3 और इंटू विभव कितना बोलता है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट से जोड़ दिए तो हो गया 360 कूलम, ये हो जाएगा 360 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखना है कि सब पर विभव कितना होगा, तो इसलिए V1 पहले पर विभव मान लो V1 है, पहले के विभव को हमने V1 कर दिया, दूसरे को V2 कर दिया, तीसरे को V3 कर दिया, तो विभव V बराबर कितना हो जाएगा Q/C1, और आवेश तो क्या होगा नियत होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सब मैं कांसेप्ट पढ़ाते समय आपको समझाया था कि जब कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो आवेश क्या होता है नियत होता है। दैट इक्वल इसको आगे हम सॉल्व करें तो आएगा 360/9
देखा जाएगा 40 वोल्ट। इसी तरह से V2, तो सब में तो आवेश समान है, तो V2 भी क्या हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा, और V3 भी कितना हो जाएगा 40 वोल्ट है, मतलब सब में विभव क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा। तीनों को आप जोड़ कर देख सकते हैं 40 धन 40 धन 40 कुल कितना हो जाएगा 120 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक पर विभव यहाँ पर समान हो जाएगा, और विभव समान हो तो इसको हम समांतर समूहन भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के पूछे कि क्या इनको समांतर समूहन में भी यही कंडीशन रहेगा, तो बिल्कुल यही रहेगा कि समांतर समूहन में भी, क्योंकि सबका विभव क्या हो रहा है यहाँ पर नियत हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की कुल धारिता क्या है। पार्श्व क्रम मतलब क्या है, यहाँ पर हिंदी में पार्श्व क्रम बोलते हैं ना, माने समांतर होगा। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम होता है, ये ध्यान रखना, बहुत डिफिकल्ट हिंदी यूज किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7। टू थ्री और फोर, ये हो गया 2, 3 और 4, 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, 4 पिको फैराड, इसको हम समांतर क्रम में जोड़े हैं इस तरह से एक ही पॉइंट पर। ये मैं फिगर बना दिया समझाने के लिए। फिर बोलता है कुल धारिता ज्ञात कीजिए, ये तो बहुत आसान है, C=, सीधा सब ऐड हो जाएगा, C1 + C2 + C3, दैट मीन्स 2 + 3 + 4, 4 × 3 = 7, 2 = 9, 9 pF। फर्स्ट पार्ट तो इसका बहुत आसान है, सीधा इसको सूत्र लगा देना है अपने को। सेकंड पार्ट में बोलता है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा, सपोज पहले पर आवेश Q1, दूसरे पर आवेश Q2 और तीसरे पर आवेश Q3 है। तो ये अभी हम जो क्वेश्चन अभी किए हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट का है। यहाँ पर चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट माने नियत, V कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, विभव। ठीक है, तो सभी पर यदि हम आवेश निकालें, अच्छा इसको कितने से जोड़ दिया गया, बोला है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समय जोड़ दिया है, ठीक, कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, 100 वोल्ट से जोड़ दिया गया, तो चूंकि हमको पता है कि Q = होता है C × V, इसलिए Q1 = C, इसकी धारिता 2, तो 2 × विभव तो कितना हो जाएगा 100, दैट इक्वल ये हो गया 200 पीको फैराड, क्योंकि पीको फैराड में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि इसको आपको फैराड में चेंज करना है तो आप ऐसा करोगे 200 × 10⁻¹2, दैट इक्वल 2 × 10⁻², तो −10 फैराड में आएगा, ऐसा हो जाएगा, पीको फैराड में ऐसा आंसर देंगे, फैराड में ऐसा आंसर देंगे। यदि Q2 निकालना है तो ये क्या है, इसकी धारिता कितनी है, 3 पिको फैराड है, तो 3 बस और कुछ नहीं करना है, 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻¹० फैराड, और Q3 तो इस पर आवेश कितना है 4, तो 4 × 100, दैट मीन्स 4 × 10⁻¹० फैराड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसके पहले सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, समांतर समूहन में इनको जोड़ा गया है। वैसे ये जो सर्किट वाले क्वेश्चन है, मैं कॉम्पिटिटिव का जब तैयारी कराऊंगा आपको, उसके लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत सारे सर्किट की ही प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो जिस तरह का क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आप स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है, इनके बीच की दूरी 3 mm है, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संपर्क से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। देखो, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र को, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की बात करता है और मैं गिवन जो जो दिया उस पर लिख देता हूँ। ये है पट्टी का क्षेत्रफल दिया है, एरिया ए इक्वल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक। बीच की दूरी डी इक्वल टू 3 mm, दैट मीन्स इसको हम यदि मीटर में चेंज कर दें तो 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये संधारित्र की धारिता की परिकलन कीजिए, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संपर्क से जोड़ दिया जाए, V इक्वल टू दिया हुआ है 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, इसमें हमको आवेश का मान निकालना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास संधारित्र है और कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ पर हम गणना करते हैं इसके आवेश, और क्या पूछा है, धारिता भी पूछा है ना, संधारित्र की धारिता की परिकलन कीजिए, ठीक है, कैपेसिटी भी पूछा है। ये हमारा गिवन है, ये हमको दिया है, और हमको कैलकुलेट करना है दो चीज, आवेश और ये। तो हमको फार्मूला पता है, चूंकि C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दैट इंप्लाइज C इक्वल टू, क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 6 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये आपको × 10⁻½, ये आपको याद रखना है। और अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 × 10⁻³, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर के हेल्प से, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 8.854 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8.85, ये मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × इतना है ना, 10 के पावर को सॉल्व कर दें पहले अपन, 2 × 8.854 × 10⁻¹। देखिए 10 के पावर को, अच्छा 10 का ये भी पावर कैंसिल हो जा रहा है ना, आसान है, 10 का पावर −3, 10 के पावर −3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पर ये बचा रहेगा 10⁻½। दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 17.7, ये आता है 17.7 × 10⁻½। दैट इक्वल, इसको यदि हम अप्रोक्स लिखना चाहें, इस डेसिमल को हम इधर खिसका दें तो 1.77 × 10⁻¹, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो −11 होगा। दैट इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻¹। क्लियर, तो इतना हम अप्रोक्स लिख सकते हैं इसको, 1.8 × pF में ही लिखने से इसको थोड़ा आसान होगा, आप ऐसा करिए, इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। इसको थोड़ा कैलकुलेशन को, सिग्निफिकेंट नंबर आपने पढ़ा होगा, तो सिग्निफिकेंट नंबर में हम क्या करते हैं, यदि डेसिमल के बाद का संख्या 5 से बड़ा हो तो हम पहले वाले में 1 की वृद्धि कर देते हैं इंटीजर बनाने के लिए, पूर्णांक बनाने के लिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 18 × 10⁻½, और ये बहुत आसान हो जाएगा, 18 pF लिख देंगे ये, और CBSE इसमें NCERT में आंसर 18 pF के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो इसको सिग्निफिकेंट नंबर हिंदी में बोलते हैं
सार्थक अंक, सार्थक अंक के बेस पर इसको सॉल्व किया गया। ये इसका कैपेसिटी निकल गया। अब हमको निकालना है इस पर आवेश। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसकी जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C इक्वल टू हमको मिल गया 18 पीको फैराड। ये अब हमको निकालना है इस पर आवेश। तो Q इक्वल टू होता है C इंटू वी, Q इक्वल टू C इंटू वी, दैट इंप्लाइज Q इक्वल टू, ये हम C निकाल लिए, 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, यदि हम उसको फैराड में लिखें तो, क्योंकि इसको वोल्ट में लिखना, ये हो गया 100, दैट इक्वल ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 2, इसके साथ होगा तो माइनस 10, 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलाम। ठीक है, कितना आंसर दिया है इसका, आवेश। ठीक, इस फॉर्म में दिया है, वो भी सही है। डेसिमल लगा दूं एन एक प्लस के आगे, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ये बुक में आंसर दिया हुआ है। तो ये हमारा दो आंसर निकला इसमें, पहला आंसर इसके बीच का, इसका कैपेसिटी 18 पिको फैराड, और दूसरा हमको इसमें दिया हुआ है क्या, इसका आवेश। यहाँ पर मैं आंसर को लिख देता हूँ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत है, इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इससे कनेक्टेड है। तो 18 पिको फैराड आया है, आवेश 18 पिको फैराड इसका धारिता, और आवेश निकाल लिया हमने 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। क्लियर, दो आंसर इसे क्लियर हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। अब यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहा हूँ और इसके सॉल्यूशन को इरेज कर रहा हूँ। अब स्टेटमेंट आप मेरे बोर्ड से क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन उसमें फिर यूज होगा, इसे इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं मिटा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करिए बुक से, कि इसी क्वेश्चन के बेस पर उसने कुछ और क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। इस क्वेश्चन में बोला है, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिए, इनके बीच में हम क्या किए, एक अभ्रक की प्लेट रख दिए 3 mm, दैट मीन्स 3 × 10⁻³ मीटर का अभ्रक का प्लेट रख दिए, दोनों प्लेट संधारित्र के बीच में, ये जो मैं रेडिंग से बनाया उसको अभ्रक का प्लेट समझ लीजिए। इसका परावैद्युतांक 6 है, K इक्वल टू 6 है, इसका परावैद्युतांक 6 है। तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, असंभरण को हटा लिया जाए। दोनों कंडीशन में सभी का गणना करना है। पहले कंडीशन में बोला है कि विभव 100 वोल्ट उससे जुड़ा रहे, उस कंडीशन में क्या होगा, विभव संभरण जुड़ा ही रहे, यदि विभव संभरण जुड़ा ही रहे, तो धारिता कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो, यदि इसमें 100 वोल्ट का विभव जुड़ा ही रहे तो बाद का जो विभव V डैश होगा वो V के बराबर ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, और वो 100 वोल्ट ही होगा, तो विभव तो उतना ही रहेगा, विभव में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला इसका आंसर विभव 100 वोल्ट होगा। दूसरा यदि हम निकाल लें इसकी धारिता, धारिता में भी क्या चेंज होगा ये पूछ रहे हैं, तो हमको पता है कि धारिता जो होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D, मतलब इसको यदि हम कांस्टेंट ले लें, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कांस्टेंट ले लें, तो यहाँ से हमको पता है कि जो धारिता है C डैश वो समानुपाती होता है किसके, K के, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इंप्लाइज C डैश अपन इक्वल टू लिख सकते हैं C इंटू K, क्योंकि C यहाँ पर कांस्टेंट होगा पहले की धारिता, तो नई धारिता C डैश इक्वल टू हो जाएगा, C का वैल्यू जो हम यहाँ पर निकाल कर रखें कितना, 18
ये हो जाएगा 18 और इंटू के का वैल्यू दिया हो कितना है 6, दैट इंप्लाइज सी डैश इक्वल टू 18 में 6 को मल्टीप्लाई करें यदि अपन 18 इंटू 6 108 पीको फैराड। तो जो नई धारिता होगी, देखिए यदि पहले क्वेश्चन नंबर 8 वाले सिचुएशन में ही हम इसके बीच में 6 परावैद्युतांक वाला यदि हम कोई अभ्रक का प्लेट रख दें तो इसकी जो नई धारिता होगी वो 108 पीको फैराड हो जाएगी। पहली इसकी धारिता कितनी थी, पहले इसकी धारिता थी 18 पीको फैराड। अब थर्ड नंबर के कंडीशन में हम इसको आवेश की गणना करते हैं, क्यू डैश, विभव निकाल लिए, धारिता निकाल लिया और क्यू डैश, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, क्यू इक्वल टू तो सी डैश और इंटू वी होगा, तो सी डैश क्या अपने पास ये है 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, उसको माइक्रो फैराड में पीको फैराड को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम वोल्ट का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 100 का गुणा करेंगे क्योंकि इसका विभव कितना है 100 वोल्ट है, इसको वी डैश भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लाई करें तो आएगा 108 इंटू 10 टू द पावर 2, इसके माइनस होगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और यदि हम इसको 108 के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखता हूँ बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, 1.08 ठीक है, 2 प्लस डेसिमल इधर खिसका दूँ तो 1.08 इंटू 10 टू द पावर 2 इसमें जुड़ जाएगा तो आएगा माइनस 8 कूलाम, 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम, ये आंसर दिया हुआ। ये है, देखिए देखिए एक बार मैं इसको रिवीजन करता हूँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ये सब निकाला था, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, यदि उसी कैपेसिटर में इसके बीच में K6 वाला यदि कोई अभ्रक का प्लेट रख दिया जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, विभव वही रहेगा, धारिता 108 पिको फैराड हो जाएगा और अब आवेश की मात्रा इतना हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोला है क्वेश्चन में इसका बी पोर्शन में क्या बोला है, संभरण को हटा लिया जाए, मतलब ये जो 100 वोल्ट का हम इसमें पोटेंशियल लगाए हैं उसको क्या कर लिया जाए, उसको हटा लिया जाए, तो उसको हटा लेने पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, यदि सप्लाई को हटा लिया जाए तो देखिए सप्लाई को यदि हटा लिया जाए माने विभव को हटा लिया जाए तो धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि धारिता कांस्टेंट होता है, तो जितना धारिता इसका पहले था उतना ही धारिता उसका रहेगा, मतलब सी डैश के बराबर ही रहेगा, क्योंकि यदि संभरण को हटा लिया जाए, बोलता है यदि संभरण को हटा लिया जाए, संभरण मतलब पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल यदि इसको हम हटा लें तो उस कंडीशन में सी डबल डैश वह सी डैश के बराबर होगा, क्यों, आप कारण समझिए, यदि उस कैपेसिटर ने इतना 108 पिको फैराड का चार्ज स्टोर करके रखा है तो सप्लाई को यदि हम बंद कर दें, जैसे माल हमारे पास पानी की टंकी है उसमें हम 10 लीटर का पानी रखे हैं, 10 लीटर भरा हुआ है, लेकिन अब यदि हम उसमें और भरना बंद कर दें तो 10 लीटर तो उसके पास रहेगा ही, तो वैसे उसकी धारिता उतनी ही रहेगी, मतलब इसका आंसर अगेन ये बहुत कॉन्सेप्ट वाइज बेस्ट क्वेश्चन है, तो सी डबल डैश सी के बराबर हो जाएगा और इसका आंसर भी हो जाएगा 108 पीको फैराड। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, मतलब बी पार्ट में क्या बोलता है, यदि विभव को हटा लिया जाए तो धारिता कितनी रहेगी, तो जितना वो स्टोर कर चुका है, जितना स्टोर वो कर चुका है उतना तो उसके पास रहेगा ही, वो कहाँ जाएगा, मतलब सी डबल डैश क्या हो जाएगा, सी डैश के बराबर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा है विभव कितना रहेगा, सब चीज को निकालना है अपने को, विभव निकालना है, तो वी डबल डैश इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले उसका विभव कितना था 100, लेकिन जब इसमें हम 6 परावैद्युतांक वाला प्लेट रख देंगे तो विभव उसमें वितरित हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी डैश और उसका छठवां पार्ट, ये कांस्टेंट के साथ उसका डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला है, तो वी डबल डैश इक्वल टू वी डैश अपॉन 6, दैट इक्वल वी डैश क्या है 100 है, वी डैश 100 और इसमें 6 को डिवाइड कर देंगे तो 100 को 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 16.6 वोल्ट, ये सेकंड आंसर है 16.6 वोल्ट।
अब उसका विभव 100 नहीं रहेगा, विभव हो जाएगा 16.6, क्योंकि इस प्लेट को डालने के बाद उसमें 6 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे अपन Q डबल डैश, तो Q डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डबल डैश इंटू V डबल डैश, दैट इक्वल C डबल डैश अपने पास क्या है उतना ही है 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इसको हमको फैराड में लिखना होगा, और V डबल डैश अपने पास निकला है ये 16.6। इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको तो कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, 108 आसानी से सॉल्व करना चाहे बिना कैलकुलेटर के तो ऐसा कर लेते हैं। देखिए वी डबल डैश का वैल्यू 100/6 है, 100/6 तो उल्टा कर दें तो 6/100 हो जाएगा वी डबल डैश का वैल्यू। वी डबल डैश मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन 100/6 इंटू वी 6/100, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ सॉरी, ऐसे ही रहेगा इंटू वी डबल डैश, यहाँ से तो है ये लिख लो आप 100/6 और 1086 से डिवाइड हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 18, ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ये ज़्यादा आसान रहेगा दशमलव बनाने के बजाय। अब इसमें हम 1.8 लिख दें तो एक इसके साथ में जुड़ जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 कूलाम। आंसर देखता हूँ 1.8 × 9 कूलम, ठीक ये आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर मैं 16.6 का गुणा करने के बजाय सीधा 100/6 लिख दिया, तो 108 से 6 कट भी गया और ये साल हो गया। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंबाइन है, इसके सब कंडीशन क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। ये तब का कंडीशन है, संभरण मतलब होता है सप्लाई, एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम बुक में जो लैंग्वेज यूज़ करता है बहुत कठिन होता है, मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। संभरण मतलब होता है सप्लाई कि 100 वोल्ट का सप्लाई, यहाँ वोल्ट के सप्लाई को बंद कर दें, दो कंडीशन दिया है, यदि 100 वोल्ट का सप्लाई दें तो क्या कंडीशन बनेगा, और सप्लाई बंद कर दें तो धारिता कितनी होगी, विभव कितना होगा और आवेश कितना होगा। तो ध्यान देना धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और विभव और आवेश पर फर्क पड़ेगा, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट देखिए आप पढ़िए ध्यान से बोर्ड से मेरे, क्वेश्चन नंबर 10 12 पीको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी जुड़े संधारित्र में कितने स्थिर विद्युत, ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, दो लाइन का है, कुछ नहीं है। देखिए सीधा आपको एनर्जी का फॉर्म लगाना है, 12 पीको फैराड का एक संधारित्र सी दिया हुआ है 10 पीको फैराड, दैट मीन्स 10 × 10^-12 फैराड, ये दिया हुआ है। साथ में दिया है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, वी इक्वल टू 50 वोल्ट, और क्या गणना करने बोलता है, ऊर्जा एनर्जी ये यूज कैलकुलेट करने बोलता है। फार्मूला पता है एनर्जी का, एनर्जी ई इक्वल होता है 1/2 CV² डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, तो हो जाएगा 1/2 और सी का वैल्यू ये 10 × 10^-12 और वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए, ये 2 और इसके साथ में मैं सॉल्व कर देता हूँ 5 जा, ठीक है, और ये 250 × 10^-12 इसको हम कर दें 2.5, तो 2 प्लस तो हो जाएगा 10^-10 जूल, एनर्जी का यूनिट जूल। कितना आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 ना,
कैसे दिया है ये 12 पिको फैराड का ना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को गलत लिख दिया। खैर इस क्वेश्चन में ऐसा आंसर आएगा, 12 दिया है क्वेश्चन में, 12 पिको फैराड दिया है, मैं 10 लिख दिया था, 12 पिको फैराड, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 12 कर लो आप इसको 12 तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 पिको फैराड दिया है ना। क्वेश्चन देख लूँ एक बार, 12 पिको फैराड का संधारित्र इससे जुड़ा हुआ है 1/2 सी और वी स्क्वायर क्या हो गया, ध्यान कहाँ गया मेरा, स्क्वायर है ना 50 का स्क्वायर होगा, फार्मूला में सी वी स्क्वायर होता है। एक बार इसको मैं दोबारा ही लिखता हूँ, ठीक है, 1/2 सी 12 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 50 इंटू 50 ऐसा, दैट इक्वल, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो इससे 6 से तो हो जाएगा 6 इंटू 5×25 गुणित 10 की घात, 2 0 इसके साथ आएगा -10, अब ये 6×25 तो 6×5=30, 6×2=12, 150 है ना, 150 हो जाएगा इंटू 10^-10, इसको भी हटा लो 1.5 दो कर दो तो 10^-8 जूल, इतना आंसर दिया है ना 1.5 माइनस, ठीक ये मैं गलत लिख लिया था। अब कैलकुलेशन करना बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना इजी क्वेश्चन है वैसे टाइम पास लगता है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट अप करना है, आपको सॉल्व करना है, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1/2 सी वी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट क्या है, 200 वोल्ट संभरण के एक 600 माइक्रोफैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, एनर्जी लॉस का फार्मूला आपको इसमें लगाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विभव भी दिया हुआ है, कितना वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का विभव है, एक कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड का, पहले इससे हम इसको चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद उसको एक और संधारित्र के साथ में जोड़ देते हैं, उसकी भी धारिता कितनी है 600 पिकोफैराड, और हम क्या करते हैं इसके सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो उसके बाद उसमें ऊर्जा हानि कितना होगा ये हमको निकालना है, मतलब ऊर्जा हानि निकालना है क्या, डेल ई हमको ज्ञात करना है, तो सीधा फार्मूला पर बेस्ड है क्वेश्चन, ऊर्जा हानि का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, फार्मूला आप लोग को सब याद रहना चाहिए ना, इतने मेरे कल नहीं बनेगा, तो डेल ई इक्वल टू होता है C1 × C2/2 C1 + C2 × V1 - V2 या V2 - V1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, सब चीज़ आपको दिया हुआ है, इसमें भर देते हैं अपन, दैट इक्वल C1 का वैल्यू कितना है, ये है 600 × 10^-12 फैराड में चेंज करेंगे तो ये 600 × 10^-12 2, इसका वैल्यू भी 600 × 10^-12 प्लस ये भी 600 × 10^-12 और इनटू पहले विभव था 200, बाद में सप्लाई बंद कर दिए तो 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 600 × 10^-12 × 600 × 10^-12 अपान, ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो दुगना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 पहले से है, ये हो गया 2 × 600 × 10^-12 और इनको हम लिख सकते हैं 200 × 200, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, बस आप इसको गुणा भागी करना है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, देखो ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, इसके बाद एक 2 इसके साथ में कैंसिल हो के 100 बन जाएगा, क्लियर,
और कैंसिल कर दें, कर देते हैं, और ये 2 को कैंसिल कर दें फिर इसके साथ में, ये 50 बन जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देना, मैं सबसे पहले 0 को काउंट कर रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान देना। इसके पास 2 0 है, इसके पास 1 0 है, और इसके पास 2 0 है। तो 2 1 3 2 5, 5 0 इसके साथ में घट जाएगा। यहाँ से बचेगा 6, और कहीं से क्या बचा, यहाँ से बचेगा 2, और 10 की घात, इसमें से 5 घट जाएगा तो -7 ये हो जाएगा। दैट इक्वल 12 × 10⁻⁷। एक दशमलव लगा दें तो 1.2 × 10⁻⁶ जूल। देखिए आंसर क्या आता है, (6 × 10⁻⁶) आया है। 6 आया है, कहीं पर कुछ गलती की है क्या अपन? 6 आया है आंसर, 600 ना, 600 × 1 तो कैंसिल हुआ इसके साथ में, 6 × 12 ही होगा, और को नीचे का तो सब कट गया है। पहले 2 कटा 100 के साथ में, फिर 2 कटा 50 हुआ, एक ये वाला कैंसिल हो गया इसके साथ में, नीचे का तो सब कैंसिल हो गया, ठीक है, 200 200। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 600, ये 6 × 2 ये लिख लिया, 2 0 2 2 4 5 0 इसके साथ में, इतना हुआ 6 कैसे आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये 6 × 2, ये 5 को मल्टीप्लाई करना भूल गया ना मैं, ये 5 को, ठीक, सॉरी ये हो गया 5 को मल्टीप्लाई करना भूल गया, ये हो जाएगा 5 × 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 5 = 30 × 60 क्लियर, ये हो जाएगा 60। और जब ये 60 हो जाएगा, वही तो बोल रहा था आंसर कैसे नहीं, ये 5 को मिस कर दिया था मैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁶ जूल, ये आंसर है। कुछ नहीं था यहाँ पर, बड़ा सा लंबा चौड़ा बुरा भाग है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है ऊर्जा हानि का, सीधा फार्मूला पर वैल्यू पुट करके साल वाला, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से मैंने NCERT के पूरे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कराया। और एक बात आप ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल्स के आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, यदि आपका चैप्टर बढ़िया तैयार हो गया, न्यूमेरिकल्स NCERT तैयार हो गया, तो मैं एक बार सिलेबस को कंप्लीट करूँ, फिर स्पेशली मैं आपको IIT JEE और NEET के लेवल के अलग से न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेरा अपना कलेक्शन। ओके, थैंक यू।